हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गिवन सेट ऑफ नंबर्स हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, ये कैसे पता किया जाता है। तो क्वेश्चन में यही है, हाउ टू फाइंड दैट द गिवन सेट ऑफ नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। ठीक है, तो हमें सबसे पहला सेट दे रखा है नंबर का 3, 4 एंड 5। अब ये चेक करना है कि क्या 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। दैट मीन्स क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं। ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और उसका स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, फिर जो अदर टू स्मॉलर नंबर्स हैं उन दोनों का स्क्वायर का सम निकालते हैं और चेक करते हैं कि वो दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर इक्वल आते हैं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है और नहीं तो नहीं। तो इसमें भी हम यही करेंगे, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर है 5, तो उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 × 5 दैट मीन 25। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो बाकी दो बचे हुए स्मॉलर नंबर उन दोनों का स्क्वायर और उनका सम। तो क्या निकालना है हमको, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो वो कैसे, एक है 3 और 1 है 4, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर और बीच में प्लस सम भी हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 × 3 = 9, और 4 का स्क्वायर होता है 4 × 4, 4 × 4 = 16, दैट मीन्स 9 + 16 ये हो गया 25। अब चेक कीजिए, पहला आया था हमारा 25 स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, और जो दूसरा आया है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू स्मॉलर नंबर्स वो भी 25 है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हम ये लिखेंगे कि स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल हो गया किसके, इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू स्मॉलर नंबर्स। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सम ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स के बराबर हो गए, इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये जो 3 है 3, 4, 5 ये सेट जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो 3, 4 एंड 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ओके, सेकंड में जो सेट ऑफ नंबर दे रखा है वो है 6, 10 और 14, तो फिर से हम सबसे ग्रेटेस्ट का स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर यानी 14 उसका स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, 14 × 14 = 196। अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू स्मॉलर नंबर। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू स्मॉलर नंबर्स ये कितने हो जाएंगे, अदर टू स्मॉलर नंबर्स हैं यहाँ पर, 1 है 6 और 1 है 10, तो 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर दैट मीन्स 6 का स्क्वायर होता है 36, 10 का स्क्वायर होता है 100, 36 + 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 136। क्या ये दोनों बराबर आए, नहीं आ रहे, यहाँ 196 आ रहा है सम, ये जो स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर है, और जबकि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स 136 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू स्मॉलर नंबर्स। सो
क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, ठीक है, इसीलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेट नहीं है। सो 6, 10 एंड 14 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो ये था कि हमें किस तरह से ये पता करना होता है कि कोई गिवन सेट जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।